السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ग्यारहवें पारे की अभी एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम यूनुस का तस्करा फरमाया है। हजरत यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम नैनवा के एक नबी थे। ये नैनवा बस्ती दरियाए दिजला के बिल्कुल करीब और बिल्कुल सामने वाक़ है और अहले नैनवा के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और उनको नबूवत का ताज पहनाया। यूनुस बिन मत्ता अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तौहीद की दावत देते रहे, समझाते रहे, तौहीद का दर्स देते रहे, लेकिन कौम नहीं समझी और आपकी दावत को तस्लीम नहीं की। बिलाखिर रहे थे यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से तंग आकर के नाराज होकर के निकल दिए, यानी हिजरत करने लगे। और यहां उनसे यह गलती हो गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत के बगैर वो अपने शहर को छोड़ दिए। अंबिया जब भी हिजरत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक करते हैं, लेकिन यहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से गलती ये हुई कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर अपने शहर को उन्होंने छोड़ दिया। अल्लाह तआला उनको एक आजमाइश में डाल दिया। आजमाइश कहती थी बड़ी सख्त थी। जब वो घर से निकले, गांव से निकले, तो जहां उनको जाना था एक दरिया हायल था। कश्ती पर बैठे, कुरान कहता है इज अबक इलल फुल्क अल मशहून, यूनुस अलैहिस्सलाम भागे भागे भरी हुई कश्ती के पास आए और वहां कश्ती में बैठे। कश्ती चली, कुछ दूर जाने के बाद कश्ती हिलने लगी और करीब थी कि कश्ती सबको समंदर के अंदर, दरिया के अंदर गर्क कर दे, डुबा दे। लोगों ने कुरान दादी की, कौन खताकार है, कौन अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाफरमान है। जब भी कुरान दादी होती तो हज़रत यूनुस का नाम आता। लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो अच्छे इंसान नजर आते हैं। दोबारा कुरान दादी हुई, सहबारा कुरान दादी हुई, जब भी कुरान दादी होती है यूनुस का नाम आता। बिल आखिर कौम के लोगों ने मजबूरन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के अंदर डाल दिया और जैसे वो नीचे गए, पानी में गिरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मछली को भेजा और वो मछली आकर के यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल गई। फल तकमहुल हूत वहुवा मुलीम, कुरान ने कहा कि मछली ने उनको निगल लिया। मछली निगल ली, अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इंतहाई मुसीबत की घड़ी में है। एक तो रात की तारीकी का रात की तारीकी है और फिर समंदर की तारीकी है और मछली के पेट की जो तारीकी है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी गलती को महसूस किए और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ की और अपनी गलती का एतराफ किया। कुरान करीम ये कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिन अज़्ज़ालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, कहा तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, कोई माबूद हकीकी नहीं, सुभानक तेरी जात पाक है, मैं तेरी पाकीजगी बयान करता हूं। इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, मैं ही खताकार हूं, मैं ही गुनहगार हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ को कबूल किया। कुरान कहता है फस्तजबना लह, अल्लाह ताला कहता है कि हमने उनकी दुआ को कबूल कर ली। वनजैनाहु मिनल गम, और उनको मुसीबत से आदादी दे दी, नजात दिला दी। वकदालिक नुंजिल मुमिनीन, ऐसे ही हम अहले ईमान को, मोमिनों को नजात दिलाते हैं। यहां पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा और अल्लाह से लौ लगाया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को फौरन कबूल कर लिया और वो मछली के पेट से आजाद हो गए। और वो साहिल पर आए, फिर कद्दू के साये में रहते थे और कद्दू का फल खाते थे और वही जिंदगी गुजारने के बाद अपनी कौम के पास आए। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में परेशान थे, दुआएं कर रहे थे, यही हाल उनकी कौम का भी था।
जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु तस्लीम अपनी कौम को यह कहकर चले गए कि अब तुमने मेरी नबुवत की और मेरी दावत को तस्लीम नहीं किया है तो अब तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। और जब यूनुस अलैहिस्सलाम निकल गए और इधर यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अज़ाब आ गया, और अल्लाह का ये उसूल है कि जब अज़ाब आ जाता है तो उस वक्त किसी की तौबा और किसी का ईमान कबूल नहीं होता है, किसी का ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। जैसे मूसा और हारून के वाक़े में हमने और आपने पढ़ा है कि फिरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुवत का एतराफ कर रहा था और अल्लाह पर ईमान ला रहा था, कब? जब पानी नाक में घुसने लगा, जब डूबने लगा, जब जान हलक में पहुंच गई, मरने के करीब हो चुका, मौत का मौत आ चुकी है, रूह निकल रही है, उस वक्त वो ईमान ला रहा है, अल्लाह ताला उसके ईमान को कबूल नहीं किया। लेकिन एक ऐसी कौम है, एक ऐसी जमात है जिसके ईमान को अल्लाह ने अदाब आने के बाद भी कबूल किया है। क्यों कबूल किया है? वजह यह थी कि वो बहुत तदर्रो कर रहे थे, बहुत गिरिया उजारी कर रहे थे, बहुत तौबा इस्तिगफार कर रहे थे। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी कौम यूनुस का तज़किरा फरमाया, सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह ताला कहता है, फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़ा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस। फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ये ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफा देता। यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती के अलावा कोई ऐसी बस्ती, कोई ऐसी जमात नहीं है कि जिसको उसका ईमान अदाब के मौके पर फायदा पहुंचाया हो। यदि आदमी ईमान लाए अदाब के मौके पर, अदाब के आते वक्त उसका ईमान फायदा नहीं पहुंचाया, सिवाय हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती के। लम्मा आमनु कशफना अनहुम अदाब अलखिज़्य फिल हयातिद दुनिया। जैसे उन्होंने ईमान लाया हमने उनसे रुस्वाकुन अजाब को टाल दिया, खोल दिया, हटा दिया। वमत्तअनाहुम इला हीन, और उनको एक लम्हा के लिए फायदे का सामान दे दिया। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अपनी जान के लिए, और हज़रत यूनुस की कौम अपने कौम में और अपने इलाके में जब अदाब इलाही का नजूल हो चुका था उस वक्त ये लोग दुआ कर रहे थे, अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे थे, तौबा इस्तिगफार कर रहे थे और अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर रहे थे और ईमान ला रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान को कबूल कर लिया, उनकी दुआओं को कबूल कर लिया और फिर अदाब को टाल दिया। इस वाक़े से हमें और आपको जो नसीहत मिलती है, जो दर्स मिलता है, जो पैगाम मिलता है, वो दर्स ये है कि दुआ के अंदर बड़ी तासीर है, दुआ को भूलना नहीं चाहिए, दुआएं करना चाहिए, दुआएं करना चाहिए, रो रो करके अल्लाह से माफी मांगना चाहिए, तौबा इस्तिगफार करना चाहिए। इसके अंदर बड़ी तासीर है, इसके अंदर बड़ी कुव्वत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को रायगा नहीं करता है, दुआओं को बेकार नहीं करता। शर्त यह कि आदमी दुआ करे दुआ के तरीके और दुआ के करीने से, दुआ के आदाब की का लिहाज रखे, अल्लाह से रो रो कर गिरिया वजारी के साथ, रुजू और इनाबत के साथ आदमी अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। यही तो हज़रत यूनुस के किस्से में अल्लाह ने फरमाया, फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम। हमने यूनुस की दुआ को कबूल किया और फिर उनको मुसीबत से नजात दिलाई। वकदालिक नुंजिल मुमिनीन, जैसे यूनुस को नजात मिली ऐसी हम अहले ईमान को भी नजात देते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम भी तौबा की, अल्लाह से दुआएं की, गिरिया वजारी की, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल किया और उनके ईमान को भी कबूल कर लिया। वजह यह थी कि वो लोग रो रो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग रहे थे, सारे लोग, ये तो यूनुस की पूरी कौम, पूरी आबादी अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रही है, गिरगिरा रही है, अल्लाह से मांग रही है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी लोगों की दुआओं को कबूल किया और भेजे हुए अदाब को टाल दिया, और जो अदाब आया था उनको हलाक करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने अदाब को वापस बुला लिया। दुआ की तासीर देखिए कि अगर इंसान परेशान हाल हो, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको उनकी दुआ की वजह से मुसीबत से आज़ादी दिला दी, उनको मछली के पेट से आज़ादी दिला दी, वो नजात पा गए। ऐसे ही अगर अदाब आ जाए तो दुआ की ये तासीर है कि दुआओं को भी टाल देती है, मुसीबत को भी टाल देती है। एक तो दुआ की ताकत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ के जरिए से अदाब को नहीं आने देता है, अदाब नहीं भेजता है, अदाब को टाल देता है, दुआ अदाब को टाल देती है, अदाब नहीं आने देती है। और दूसरी तासीर ये है कि अगर अदाब आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन
अदाब को वापस कर देता है, अदाब को उठा देता है। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस कोरोना वायरस की जो महामारी है, जो तबाही है, वो हमारी निगाहों के सामने है। तकरीबन 2.5 लाख लोग हलाक हो चुके हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आज जो मईशत की जो हालत है, जो इक्तसादी बहरान है, जो माशी बहरान है, वो हमारी निगाहों के सामने कितने लोग भूखे प्यासे बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको इस बीमारी से नजात दिलाई है, हम सबको महफूज रखा है। हम चार लुकमा हम खा रहे हैं और ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू हों, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, तज़र्रु और गिरिया वज़ारी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा, हमारी मुसीबत से हमको जरूर जरूर निजात दिलाएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से और हज़रत यूनुस के वाक़े से हम सबको जो नसीहत मिलती है, वो नसीहत ये है कि हम दुआ को ना भूलें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत गफूर रहीम है, बख्शने वाला है। वो हमारे गुनाहों को जहां माफ़ करेगा, हमारी खताओं को जहां माफ़ करेगा, वही हमारी मुसीबतों को भी अल्लाह ताला हमारी दुआओं के जरिए से, हमारे रोने और हमारे गिड़गिड़ाने के जरिए से अल्लाह ताला उसको दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको और आप सबको और सारे मुसलमानों को हर किस्म के शर और फसाद से और हर किस्म की बीमारी से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और जब तक दुनिया में जिंदा रखे, ईमान और तौहीद पर कायम रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अकुल कौली हादा व अस्तगफिर الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته।